एक तरफ सीरिया में चल रहा संघर्ष और दूसरी तरफ आपदा वहां के लोगों पर यह दोहरे मार है हालात ये है कि संयुक्त राष्ट्र के रिलीफ मिशन के प्रमुख को भी कहना पड़ा कि लगता है कि वहां के लोगों को अकेला छोड़ दिया गया है क्योंकि भूकंप के एक हफ्ते बाद भी वहां के बेहाल लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं अमेरिका ने भी वहां की असद सरकार से अपील की है कि वो राहत पहुंचाने की राह मुहैया कराएं बीबीसी संवाददाता क्वेंटन सोमरविल को विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में जाने की इजाजत मिली जहां से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है एक सरहद जिसके दोनों ओर तबाही हुई लेकिन भूकंप के बाद भी सीरिया और तुर्की का हाल ज्यादा अलग नहीं है हम अभी अभी सीरिया में दाखिल हुए हैं हमें बॉर्डर क्रॉसिंग पर मदद लेकर पहुंचे करीब एक दर्जन ट्रक और ईंधन से भरे टैंक दिखे लेकिन जितनी मदद आ रही थी उससे कहीं ज्यादा शरणार्थी और शव बाहर जाने के इंतजार में थे इदलिब के हारेम की मुख्य सड़क गायब है लोग मदद के इंतजार में थे जो नहीं पहुंची यहीं पर फादेल गादाब के सभी रिश्तेदारों की मौत हो गई। यहाँ कोई जिंदा नहीं बचा सब मर गए हम सिर्फ चाहते हैं कि वो आकर दफनाने के लिए शव निकालें। मुझे नहीं पता और क्या कहूँ हम पश्चिम की ओर गए यहाँ कोई मदद नहीं पहुँची जबकि लोगों को तुरंत मदद की जरूरत है यहाँ बसानिया शहर हुआ करता था यहाँ लोगों ने नए घर बनाए थे लेकिन अब 80 फीसदी तक तबाह हो चुका है और भूकंप के बाद से यहाँ मदद ना के बराबर पहुंची है यहाँ सौ से ज्यादा घर जमी हो गए इसके अलावा भी बहुत तबाही हुई है अबाला के दोनों बच्चों की मौत हो गई मैं पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ा चिल्लाया तभी मुझे अपनी बीवी और सात साल की बेटी जिंदा दिखी मेरी बीवी ने बताया कि हम अपने बच्चों को खो चुके हैं ये इलाका विद्रोहियों के कब्जे में है पूरे वक्त हथियार बंद लोग हमारे साथ थे जिन्होंने हमारे काम में कोई दखल नहीं दिया लेकिन इन्हीं की वजह से यहाँ मदद पहुँचना हो गया है बाबल हवा अस्पताल में राजनीति के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है यहाँ स्टाफ कम है जिसे साढ़े तीन सौ ऐसी ज्यादा भूकंप पीड़ितों का इलाज करना है आम दिनों में ही यहाँ लोगों के लिए इलाज के लिए पर्याप्त तो मेडिकल स्टाफ नहीं होता है अब तो बहुत ही कम है यहां तीन महीने का मोहम्मद भी भरती है मोहम्मद के मां बाप की भूकंप में मौत हो गई वो पास की एक सड़क पर पड़ोसी को मिला मोहम्मद के साथ साथ सीरिया भी फिर से अकेला पड़ गया है दुनिया ने उसे भुला दिया है पर सीरिया को मदद की सख्त जरूरत है